दोस्तों आज सुबह हमने फिल्म देखी सत्य प्रेम की कथा, और इस फिल्म का पहले नाम था सत्यनारायण की कथा, जिसका मेकर्स ने बाद में नाम चेंज करके किया सत्य प्रेम की कथा। और ये मूवी कैसी है, हमारे इस पे क्या रिव्यूज है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। फिल्म के मेन लीड में है कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी। इन दोनों के अलावा फिल्म में है गजराज राव, सुप्रिया पाठक और अनुराधा पटेल। बाकी आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है इसमें, कियारा आडवाणी के फादर का, आप जानते हैं वो एक्टर सिद्धार्थ रंदेरिया। यस, जो कि गुजराती एक्टर है, स्टेज आर्टिस्ट हैं वो, और उन्होंने 12,000 से ज्यादा प्ले में काम किया है। ये जो एक्टर्स हैं ये इसमें कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन के साथ सपोर्टिंग एक्टर्स है। इनके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो इसमें राजपाल यादव डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, और इनका नाम भी इसीलिए सबसे लास्ट में आया क्योंकि इनका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो इन्होंने फिल्म में दिया ही नहीं है, इसलिए हम खुद भूल गए कि वो भी फिल्म में थे। मूवी में थे भी नहीं, मगर इम्पोर्टेंट है भाई, दूध घर में दूध बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दूध नहीं आएगा तो चाय कैसे बनेगी, आप ये बताइए। और चाय नहीं बनेगी तो नींद नहीं खुलेगी तो कार्तिक आर्यन काम तो वैसे भी नहीं करता वो, मगर घर के बेचारे को बहुत सारे काम करने पड़ते थे, नाश्ता बनाना है, सब कुछ करना है। मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि उनके घर की बहू अगर बाहर काम करती हैं तो वो ब्रेकफास्ट और ये दोनों से ही सारे काम करवाती हैं। भाई अगर वो बाहर जाके काम करी तो जो घर में रहेगा वही घर के काम करेगा। अच्छा, तो मेन रीजन क्या था, ये दोनों बाप बेटे काम क्यों नहीं करते? मेन रीजन जो है, इस फिल्म के मेकर्स को भी पता होगा कि वो काम क्यों नहीं करते हैं। बेसिकली फिल्म का जो पूरा जो प्लॉट है वो ये है कि जो कार्तिक आर्यन जो फिल्म के हीरो का जो करेक्टर का नाम है वो है सत्तू, सत्य प्रेम, जिसको प्यार से सत्तू कहते हैं। और वो फिल्म में क्या है, वो 3 बार LLB फेल कर चुके हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी वो कोई काम नहीं कर रहे, घर में पड़े हुए हैं, और वो अपना मम्मी से और अपनी बहन से डांट खा रहे हैं, कभी खाना जला रहे हैं, कभी काम ठीक से नहीं कर रहे, कभी झाड़ू करने क्या कर रहे हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं, मेकर्स को भी नहीं पता तो हमें भी नहीं पता। उसके पापा भी ऐसे ही हैं, वो ऐसे क्यों हैं, वो मेकर्स को नहीं पता, इसलिए हमें भी नहीं पता। तो और कार्तिक आर्यन का इसमें एक ही सपना है कि उनकी जो है इतनी कमियां होने के बावजूद शादी हो जाए, तो कोई क्यों शादी करेगा बताइए। नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से हर लड़के का यही सपना होता है कि शादी उसकी बहुत टिंचैक लड़की से हो जाए भाई, और हुई भी है टिंचैक लड़की से शादी। शादी बहुत भाई साहब, लड़का काम कुछ नहीं कर रहा है लेकिन सपने हैं उसके, कियारा आडवाणी जैसी लड़की से शादी कर रही है। मूवी में है भी कियारा आडवाणी, और मूवी में है, और शादी हो भी जाती है, हो भी जाती है। तो बेसिकली शादी के बाद इंटरवल तक इनका यही चलता रहता है कि शादी उससे वो किस तरीके से करे। इंटरवल से पहले जो फर्स्ट हाफ है मूवी का बहुत खास है नहीं, उसमें आशिक पक्का था भाई, वो एक साल तक नेक्स्ट डांडिया आने का वेट करता था, एक आशिक पक्का था। आशिक पक्का नहीं था, वो लूजर पक्का था, उसको और कुछ पता ही नहीं था, उसके अलावा मतलब उसको काम मिलती है। अच्छा, उसको और कहीं लड़कियां नहीं मिलती थी? नहीं मिलती, वो खुद बोलता है ना फिल्म में कि आज तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, वो क्यों नहीं बनी नहीं पता। इतनी सारी कमियां होने के बावजूद अगर वो लड़का आपको फिल्म में उसकी हरकतें क्यूट लग रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़का गुड लुकिंग है, इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं, कोई खूबी नहीं थी। तो कुल मिला के इंटरवल तक मूवी इसी तरह से चलती है, और इंटरवल के बाद मूवी में थोड़ा सा चेंज आता है जो कि इंटरेस्टिंग है, बट उस इंटरेस्टिंग चेंज के बावजूद जो मेकर्स है उसको आगे तक नहीं लेके जा पाते, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि पता ही नहीं कि करना क्या है, करना इस टॉपिक के साथ करना क्या है। हाँ, बहुत सारी खामियां हैं इसमें, जो एक्सपेक्ट करके गए थे उतनी तो मजेदार नहीं है, वन टाइम वॉच मूवी है मेरे हिसाब से तो, और समटाइम कहीं पर आकर लगता है कि मूवी खत्म क्यों नहीं हो रही है भाई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चार बार ही मुझे ऐसा लगा मूवी में कि अभी एंड आएगा, एंड आएगा। मूवी में जो है 4 क्लाइमेक्स है। क्या बोला तूने? और जैसे ही आपको लगता है कि आप खड़े होंगे आधी सीट से और मूवी दोबारा स्टार्ट हो जाती है, ऐसे 4 बार मूवी में, तो मूवी में 4 क्लाइमेक्स है। हम सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अभी अभी उठना है या नहीं उठना है। हाँ, और बाकी अगर फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो मूवी में आई थिंक 7 गाने हैं, 7 गानों में से 1-2 गानों को छोड़ के कोई गाना आपको याद नहीं रहता। पंजाबी गाना वेस्ट कर दिया यार, इतना खूबसूरत गाना था वो पंजाबी बसुड़ी जो गाना है, आपको याद रखने लायक नहीं है जी, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें जो इनमें एक्टर्स हैं तो ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के अलावा किसी को कुछ दिया नहीं। गजराज राव का फिर भी अच्छा रोल है, उनका फादर का रोल अच्छा है, डायलॉग्स भी कई जगह बहुत अच्छे हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं उनके। और कियारा आडवाणी का मुझे बेटर लगा परफॉर्मेंस, जितना कियारा आडवाणी का बेटर था, और कार्तिक आर्यन मुझे लग रहा है कि जितनी मूवीज मैंने अभी तक देखी है सब में सेम ही एक्टिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
भी कह रहे हैं कि तीन ही एक्सप्रेशन है उसमें, हैरान, परेशान और मुस्कान। मुस्कान बस तो तीन ही एक्सप्रेशन है हर मूवी की तरह। इसमें भी एक मोनोलॉग चालू होते होते रुक गया, रुक गया, उनको याद आ गया कि शायद ये सोनू की टूटू की मौसी की लड़की की शादी में मैंने किया है। तो जो सबसे ज्यादा खराब एक्ट्रेस में क्या गया वो है राजपाल यादव। ओ माय गॉड, राजपाल यादव दो सीन के लिए उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया कि ये पिक्चर साइन क्यों की। राजपाल यादव का करेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बने फिल्म में दूध वाला, वो दो बार दूध देने घर पे आते हैं। काम उन्होंने दूध वाले की किए हैं, मगर बेशक उनका एक्टर जो थे वो इसमें दूध वाले थे, मगर उनके काम थे मटर छिलने वाली आंटियों वाले। मोहल्ले में आपने देखा ना जो मटर छिल रही होती है आंटियां, जिनके काम होते हैं कि भी फलाने की लड़की भाग गई, उसकी लड़की यहाँ चली गई, उसके घर में ये गॉसिप है, उसने वही काम किया, उसने मिर्ची एक लगाई ना। कुल मिला के उनका रोल है खबरें इधर से उधर करना। इंटरवल के बाद जो इसमें मुद्दा जो इसके मेकर्स ने जो उठाने की कोशिश की है वो एक सोशल मुद्दा है, वो इसमें अगर आप फिल्में देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि वो मुद्दा क्या है। उसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मेकर्स ने किया उस तरीके से नहीं होनी चाहिए। नहीं रणवीर जी, मगर एक मुद्दा और भी था कि पतियों के खराटों का यार, उसने तो कियारा आडवाणी ने तो भाई अपने पति को खराटों की वजह से अपने रूम में एंटर नहीं करने दिया, मगर बहुत सारी नारियां हमारी भारत की ऐसी है जो आज तक भी ये यातना सह रही हैं। अब बताओ अगर रेवोल्यूशन आ गया, मैं भी बिल्कुल ऑब्वियसली मैं भी ये मतलब मैं तो रेवोल्यूशन चलाना चाह रही हूँ कि भाई अपने पतियों को रूम से गेट आउट करो। तो सरकार से आप कैमरा ऑन है बोल सकते हैं अगर आप। हाँ भाई, एक ये वाला बिल भी लागू होना चाहिए कि जिनके पति भाई खराटे महीने में अगर 30,000 से ज्यादा खराटे ले रहे हैं, हाँ। तो वो अपने ऊपर वाले स्लैब में आएंगे, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो कुल मिला के दोस्तों फिल्म की ये कहानी है। इसके फिल्म में जो एक मुद्दा है बेसिक मुद्दा, वो आप फिल्म देखिए तो आपको पता चलेगा। हमारे हिसाब से जो है फिल्म एक बार देखी जा सकती है, एक बार बस। अगर आप बहुत ज्यादा फैन है कार्तिक आर्यन के, कियारा आडवाणी के, कियारा आडवाणी के, अच्छा कियारा आडवाणी के, कार्तिक आर्यन का कौन फैन है? नहीं नहीं भाई, हो सकते हैं कार्तिक आर्यन के फैन भी हो सकते हैं। ये मैडम जो है कार्तिक आर्यन के फैन, नहीं मैं कार्तिक आर्यन के बिल्कुल फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल फैन हूँ कियारा आडवाणी का। तो अगर आप उनके फैन है तो देख सकते हैं। आप एक मेन एक्टर बोल रहे हैं जिसका काम वाकई में बहुत अच्छा था, गेटकीपर। हाँ भाई, वॉचमैन, उसके डायलॉग राजपाल यादव से ज्यादा था भाई। वॉच बिल्कुल, हाँ, और उसने पंच भी मारे। तो वैसा अगर आप कियारा आडवाणी के घर के वॉचमैन है तो आपका पूरा आगे कुछ भी बोलने कुछ भी बोलने का कि आप किसी को भी धुतकार सकते हैं भाई। स्कूटर वाले का फिल्म का हीरो ही क्यों ना, स्कूटर वाले की तो घर में एंट्री नहीं थी, आपको BMW में आना था। तो दोस्तों ये था ओवरऑल फिल्म का हमारे हिसाब से रिव्यू जो हमें लगा। इसके अलावा अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको फिल्म कैसी लगी है। नहीं देखी तो एक बार जाके देख सकते हैं, फिर आके लिख सकते हैं, मतलब लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। एग्जैक्टली, तो नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा यार कि हम रिव्यू कैसा कर रहे हैं। तो बिल्कुल, इस चैनल से रिलेटेड अगर आपकी कुछ शिकायतें हैं, कुछ आपको सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। और आप अपील कीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी अपील की है मगर कोई सुनता ही नहीं है भाई। प्लीज यार, वीडियो देखो, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अच्छा नहीं लग रहा तो भी लाइक करो, बाकी भाई सब मर्जी आपकी, क्या करें। सब्सक्राइब तो कर ही दो यार प्लीज। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय बाय।